सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, आबो सिख सतगुर के प्यारे हो, गाबो सची बाणी, बाणी ता गाबो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परताख गुरु निस्तारे, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझै शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेह हो करी बखियान। वाहिगुरु साहिब जी, राग नाट नारायण महला पंजीवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम हौ क्या जाना क्या पावे, मन प्यास बहुत दर्शावे, रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जैसे ऊपर रुच आवे, कृपा करो जिस पुरख बिदाते, सो सदा सदा तुद त्यावे, कवन जोग कवन ज्ञान ध्याना, कबण गुनीर जावे, सोई जन सोई निज भगता, जैसे ऊपर रंग लावे, साई मत साई बुद्ध स्याणप, जित निमक न प्रभ बिसरावे, संत संग लग इहो सुख पायो, हर गुण सद ही गावे, देखियो आचार्य महामंगल रूप, किस आन नहीं दिस टाबे, कहो नानक मोर चा गुर लाहियो, तह गर्भ जोन कह आवे, देखियो आचार्य महामंगल रूप, किस आन नहीं दिस टाबे, कहो नानक मोर चा गुर लाहियो, तह गर्भ जोन कह आवे। परम सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़भागी हाँ साहिब जी दी अपार बख्शिश हुई है साढ़े सबना उपर, सानू अमृत वेले
सतगुरां जी पावन हजूरी अंदर जुड़ करके साहिब जी दी अमृत बाणी पढ़न सुनन और समझन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सवाओ कुछ क समा अपनिया मनोविरतिया नू एकाग्र करदे होए साहिब जी की कृपा सदका सतगुरां ने पावन दरबारा तो चल रही लड़ी वार गुरबाणी विचार दे नाल जुड़न दी खेचला करिए। जो पावन पवित्र शब्द जाप सरबण कीता है जिस दी असा विचार करनी है ये पावन पवित्र शब्द जाप शहीदां दे सरताज सतगुरु शांति दे पुंज बाणी के वोहित गुरु नानक साहब महाराज जिया के पंचम स्वरूप धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जिया के पवित्र रसना द्वारा उचारण होया हुआ यह शब्द है जो कि राग नट दे विच सशोभित है। सो पंचम पातशाह गुरदेव जी इस शब्द विच कृपा कर रहे ने समझाउंदिया सानू कि है भाई उस मालिक दे डर विच भय विच अदब विच चलना करिए। वो मालिक है जेड़ा भाई उहदे अगे अपनी असमर्था रखिए। इहो बेनती जो कर रहे ने साहब जी सानू सिखाउंदे आ भी ऐ मेरे वाहिगुरु ऐ राम जी असी अलपग जीव हाँ भी कुछ जानते नहीं हाँ भी की तेनों पाउंदा की करना चाहिए क्यों जानते भी नहीं हाँ। ये तो गुरु साहब तो जो कोई मत लेंदा तां कुछ पता लगता नहीं तो असी आपो तापी तो बड़ा कुछ करते हैं पर जदों गुरु साहब नाल जुड़ी दा गुरु की बाणी नू समझी दा गुरमत उपदेश सुनी दा फिर पता लगता है भी साडा कर्म की है ते करदे की आ की करना चाहिए है किदां दा जीवन बनाउणा भाव कि यह गुरु की मत द्वारा गुरु के उपदेश नू समझ के कुछ समझाउंदिया जीवन नहीं तो बहुतात गिणती संसार विच साडे वर्गे अलपग जीवन दी है भई आ बडमुला जन्म लैके भी मानस जन्म विच आके भी कना पशु पंछियां दे तल ते जिउ रिहा भाव के बड़ी गिरावट विच है जीव जो कुछ करना चाहिए आ शरीर विच इनू आके बिरले आ जिहड़े समझ के करदे आ नहीं तो आपां पातशाह दे बचन पढ़दे आ ना साहिब कहिंदे करतूत पशु की मानस जात लोक विचार करे दिन रात कहिंदे आ कुछ हो रहा करतूत भाव काम काज तो अजे तक इन्हें पशु पंछियां वाले रखे हुए आ विचार व्यवहार इस तरीके का है पर साहिब कहिंदे ने है हैरानी की गल भी मानस जात है मनुखा जन्म मिलिया होया इनू पर कम ऐसे ने लोग विचारा सारी लुकाई पासा कहिंदे आ कोई बिरलिया नू छड़ के साहिब कहिंदे दिन रात आ कुछ कर रहा जीव मनुख कहिए मनुख नू संबोधन कर दिया साहिब जी एहो जी हालत तो हुई है। सतगुरु जी कहिंदे ने भाई साहिब दे चरणा विच अर्ज करिए भी सतगुरु सानू भी मत दे दे साडे ते भी तुहाडी रहमत हो जावे सानू नहीं कुछ पता लगता भी की पाउंदा तेनू भी की असी करना चाहिदा सानू रहमत कर सच्चे पातशाह जी साडे मन विच भी प्यासा है। ये तो गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा शब्द द्वारा
भी साडे मन विच प्यासा तेरे दर्शना दी, दर्शन सानू प्राप्त हो जाण। ये भी मंगला विच आपां शब्द पढ़दे हां, दर्शन प्यासी दिन सुरात, दिन ते रात चैना रखनी, अंदर चाहत रखनी प्यासा दी, दर्शना दी प्यास रखनी। पर साहब की कहंदे आ, दर्शन प्यासी दिन सुरात, चित भौ चित बनी, अंदर चेते करना, चित भौ अनदन नीत नेता प्रति, मालिक नू चेते विच रखना, याद करना भी कदों दीदार होणगी पास, कदों रहमत होवेगी। ते पर साहब नाल ही कहंदे आ, खोल कपट गुर मेलिया, जिहड़ा बंद दरवाजा पिया कबाड़ साडा कहना, कपाट दा भाव है कबाड़, जिहनूं आपां दरवाजा कह दिंदे आ, गेट कह दिंदे आ, भी उह जिहड़ा बंद दरवाजा भाई उहनूं मेरा मालिक खोलदा। बंद दरवाजा किहड़ा? साडा शरीर एक महल है, मालिक ने बनाया। इस महल दे नौ दरवाजे खुले है, दसवां गुप्त भाव बंद कहा गया। बाणी विच साहिब कहिंदे आ बई भाई, दस दरवाजे ने पर नौ खुले है, आ महल दे आ शरीर दे, दसवां है जिहड़ा कबाट जिहनूं कहिंदे आपां, वह बंद है, दसवां दरवाजा जिहदा वह खुल जाए वो ते रहमत हो जाती है, भाव वह ज्ञानवान हो जाता, वह समझदार हो जाता है। तो खुलदा कित्थों है? कौन खोल सकता उन्हूं? सानू तो यह भी नहीं पता लगता भी वह कित्थे आ, किहो जिहा किवें आ, खोलण की तो वक्री गल है। तो पातशाह ने सानू समझाया, हुणे हुणे आपां जाप करके हटे हां श्री आनंद साहब की बाणी का, उहदे विच भी साहिबां कहिंदे आ, हर जीओ गुफा अंदर रख कै, बाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, नौ द्वारे, द्वारे भाव इतने नौ दरवाजे ने, भी प्रगट भाव खुले ने साडे सामने है, सानू समझ है नौवा दी। पर बहुत आत गिणती तो यह भी होगी प्यारे, भी सानू नौवा का भी नहीं पता भी किहड़े नौ ने, भाव के नौ दरवाजे ने जिहड़े साडे शरीर दे। पातशाह कहिंदे उह खुले है, नौ दरवाजे प्रगट किए, दसवां गुप्त रहाया, दसवां गुप्त है। तो किवें पता लगेगा, उहदा खोज किवें करनी है, कित्थों आउणी है? साहब नाल ही दसदे आ, गुरु द्वारे लाए भावनी, कहिंदे आ भाई गुरु नाल भावना पा, प्यार बना ला मालिक दे नाल, साहब नाल प्यार कर लै, साहब नाल भाव सांझ बना लै, साहब मालिक ते अपने सतगुरु ते सरदा भावना बना लै, कि इथों रहमत होनी है। साहब कह रहे ने, गुरु द्वारे लाए भावनी, एक ना एक ना नू, जिन्होंने भावना लाई, प्यार किया, मालिक ते सरदा जताई, उन्होंने एक ना दसवा द्वार दिखाया। साहब कहने एक ना नू वो दसवां द्वारा मालिक दिखा दिंदा है, पता लग जांदा है, रहमत हो जाती है। नहीं तो चैना हर एक दे अंदर रहती है, भी दीदार करिए, दर्शन करिए, पता लग जावे, रहमत हो जावे। तो पातशाह कहते, पर जिहड़ा कबाड़ खुल के दर्शन होना कहना, ज्ञान वाला दर्शन, ज्ञान की अख दे नाल दर्शन, वो वखरा है। आ दीदार तो आपां नीता प्रति करदे आं गुरु साहब दे, सतगुरां दे पावन दरबारां दे, गुरु की बाणी दे कह लिए, पर जिहड़ा वो असल दीदार है, वो सुरत की अख नाल, ज्ञान की अख नाल। ये भी आपां पढ़दे आं, ज्ञान अंजन गुर दी आ, 23वां श्लोक गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की अमृत बाणी सुखमनी साहब विच, साहिबा कहिंदे ऐ, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटे, नानक मन प्रकाश। मन विच फिर प्रकाश हुंदा जो ज्ञान वाला सुरमा नेत्र विच मेरा साहब पाउंदा, सतगुरु रहमत करदा, फिर वह ज्ञान वाली अख बनदी है, जिन्हों तीसरा नेत्र कहा जाता है।
आम तो आप कहने कहना भी विद्या मनुख का तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र विद्या नू आख्या मालिक ने। बई भाई तीजा नेत्र विद्या तो बड़ी दुनिया कोले पई है, पर विद्या नाल तीजा नेत्र की गल नहीं बनती। जिन्ना चर विद्या की विचारधारा हिरदे विच नहीं आउंदी, साढ़े बड़ी बेअंत दुनिया फिरदी है, पर मालिक ने तो आखना किया भाई ये विद्या का जिहड़ा विचार बन है उहनू पढ़िया बनिया जांदा, उहनू समझदार कहा जांदा है। डिग्रियां चक्की बहुत दुनिया फिरदी है पर बेसमझ बेअंत मिल जांदी है पढ़े लिखे भी। साहब कहंदे आ विद्या विचारी तां निशानी की है, विद्या दे विचारवान दी ज्ञानवान दी। साहब कहंदे विद्या विचारी तां पर उपकारी, जिहड़ा पर उपकार करदा है कना विद्या पढ़ी है, किसे कर्म ते पहुंचिया, किसे मकाम ते पहुंचिया, किसे अहुदे ते पहुंचिया, ते जे ओ परोपकार कर रहा कना अपने अहुदे द्वारा अपने मकाम द्वारा परोपकार करता है, तो समझो पातशाह कहिंदे ओ विद्या दा विचारवान है भाई। क्योंकि विद्या जो आप पढ़ते हैं विद्या विच तां सानू उदाहरण दे दे के कथा कहानियां दे द्वारा लैसन द्वारा समझ दिती जाती है इमानदारी की, समझ दिती जाती है गुरु प्यारियो भी दुनिया विच किवें प्यार नाल विचरना, एक दूसरे की सहायता किवें करनी है, चंगे कर्म किवें कमाउणे आ। पर जे इन्हां नूं परोखे करके बंदा लुट कसोटी विच ही पै गया भी अंत दुनिया ऐसा ही करदी है पढ़ी लिखी। पर साहब कहिंदे आ भाई उह तां जेता पढ़िया तेता कढ़िया, वह तो जिन्ना पढ़िया तो समझ के कड़ गया है, कड़ गया है। इस करके विद्या के द्वारा साहब कहते ज्ञान बाण होना, विद्या के द्वारा परोपकार करने सीखने, विद्या के द्वारा दुनिया में रह के भले दे कर्म करने, भलियाई करनी। तो पातशाह कहते वह विचार बाण है वो को समझो असल करके तीसरा ज्ञान वाला नेत्र है विद्या वाला। नहीं तो गुरु प्यारियो ये भी नेत्र बहुत बंद हो जाते जेडे मालिक वालों मिले हुए ने विद्या के द्वारा। सरो विचार आओ विस्तार जाइए। सतगुरु जी कहते हैं भाई ज्ञान का सुरमा जिन्हों मिल गया उन्हों असल दीदार हो जाते, असल और नेत्र खुल जाता है। तो इदा कर्म यह कृपा होंगी है गुरु साहब तो सतगुरु की बाणी द्वारा शब्द ज्ञान द्वारा। इस करके अज के शब्द सतगुरु जी नाल ये रहमत कर दिया मालिक के चरणों में अर्ज करनी सिखाया सानू, तो दर्शनों के प्रति भी अंदर तांग रखनी ये भी सानू सिखा दे है। तो नाल दस दिया भी असल में भाई ज्ञान बन कौन है, असल में रब का प्यारा कौन है, दस दिया साहब जी भी वह केड़ा योग है, केड़ा ज्ञान है, केड़ा ध्यान है, केड़े गुण ने जिहदे द्वारा वह मालिक दी रहमत हो जाती है, कृपा हो जाती है। रहो विचार आओ विस्तार में आप जाइए। सतगुरां दा ये इस राग दे विच नट नारायण विच पहला शब्द आरंभ होया, साहिबां ने मंगलाचरण किया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु अकाल पुरख भाई एक है, सारी कायनात का मालिक है, जिन्ना भी ओंकार भाव आकार देखते हैं आप सारा उतो ही पैदा होया हो सारा वजूद तैयार होया, क्योंकि साचे ते पबना पया, पबने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साझिया, घट घट जोत समोए साहब ने आख्या। ते साहब कहंदे आ भाई जिहड़ा एक है सारी कायनात दे विच वसा होया, सारी कायनात दा मालिक है, पर उहनू समझण दे लई गुरु दी कृपा दी लोड़ है, सतगुर प्रसाद गुरु दी कृपा दी लोड़, प्रसाद कृपा नू कहंदे आ। सरोह विचार आओ जो साहिबा रहमत कर दिया पहला ही बंद है जिहड़ा रहाओ वाला शब्द दा। सतगुरु जी शब्द दे द्वारा इस बंद द्वारा जो रहमत करते हैं, राम हो क्या जाना क्या पावे,
मन प्यास बहुत दरसावै। सतगुरु जी रहमत करदे है राम, ऐ मेरे राम जी रमे हुए परमात्मा, हौ क्या जानना, हौ दा भावदा मैं, सच्चे पासा मैं की जाना, क्या भाव है भी तेनू भाउंदा की है, की भाउंदा उस मेरे वाहिगुरु नू, असी अलपग जीव की जान दिया। अजा सुने सुनाए कर्म करते जाने भी इदा करें तो ऐ हो जाता जी, आए करें तो ऐ रब खुश हो जाता, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, कुछ नहीं जानते। साहब कहते क्या भाई असी जानिए, मालिक अगे समर्था रखी है भी ऐ मेरे राम जी हों क्या जानना क्या भाव है। पर नाल गल ये भी है, मन प्यास बहुत दरसाव है, भी मन में प्यास आ, सचे पातशाह दर्शना की बड़ी प्यास आ, थोड़ी नहीं बड़ी चाहत है भी कदों दीदार होंगे, कदों दर्शन होंगे सचे पातशाह, ये मन की प्यास है तो सारे की। हर एक जीव कहना भी मैनू दर्शन हो जाए, मैनू दीदार हो जाए, कोई कहना गुरु नानक साहब मिल जाए, कोई कहना बाजा बाले मिल जाए, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है, मन की प्यासा है। पर पता नहीं दीदार होने किवें ने, कर्म बेअंत कर दिया दुनिया दीदारिया भी मिल जाए, पर साहब इतने कहते भी पातशाह सानू पता कुछ नहीं भी की करिए, किहड़े कर्म करके मेरा मालिका तू रहमत करदा तेरे नाल ही। अगे सतगुरु जी कृपा कर रहे ने, सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जैस ऊपर रुच आवे कृपा करो, जैस पुरख बदाते सो सदा सदा तुद त्यावे। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, ऐ मेरे वाहिगुरु मेरे राम जी ओही असल करके ज्ञानी है, ओ तेरा सेवक है, जिस उपर रुच आवे। सच्चे पातशाह जिते तुहाडी खुशी हो जावे रुचि हो जावे, ओही असल ज्ञानी है, जिते मालिक दी रहमत हो जावे ओही असल करके सच्चा सेवक है मेरे साहब दा, जिते गुरु दी खुशी हो आवे। क्योंकि खुशियां तो हम इतिहास आप बेअंत पढ़ते रहने, खुशी कदों मिलती है, जदों मालिक दे कोई कहने विच चलदा, माण मर्यादा विच चलदा, वाहिगुरु दे हुक्म विच साहिबा दे हुक्म विच चलदा, क्योंकि हुक्म द्वारा ही खुशियां पाईयां जिन्हें भी पाईयां मेरे मालिक दा, जिन्होंने हुक्म मन्निया जिन्होंने हुक्म मन्निया, हुक्म द्वारा ही साहब ने भाई रुतबे बख्शिश कीते है, दुनिया में भी वडियाइया मिली हुक्म मनन वालिया नूं, ते अगे भी पातशाह की रहमत हुंदी है। इस करके साहबा कहिंदे है भी हुक्म मनिया होवै परवार ता खसमे का महल पाए सी, खसमै भावै सो करे मन चंदिया सो फल पाए सी, भी खसम नूं जो भाव साडे मालिक नूं भाउंदा है, गुरु का सिख गुरु का प्यारा ये जीव ओ कर्म करे ता भाई मन इसक फल प्राप्त हुंदे आ, मन खुश हाल रहिंदा है, खुशियां खेड़ियां विच रहिंदा है। ते इत्थे पातशाह कहिंदे आ भाई जिहड़ा मन साहिब दे मुतालिक चलदा गुरु दा ज्ञान लैके चलदा है, वह मन ते ऐसी रहमत हो जाती है सतगुरां दी, वह मन जिहदा भी है जो भी शरीर है वह मन्या जांदा भी है ज्ञानवान आ भाई, ज्ञान दे द्वारा मालिक दे हुक्म नूं समझ के चलदा है, वह समझिया जांदा असल करके भी ये मालिक दा सेवक है, क्योंकि जिहड़ा मालिक दे दर ते प्रवान हुंदा है। ज्ञानवान बड़े दुनिया विच आए ने, ज्ञानवान बड़ी बारी गाता आपस इतिहासक सरवण की है, भी जदों आख्या सी पातशाह ने भाई भाई कोई आओ रब का प्यारा सानू शुद्ध जाप सुनाओ,
और शुद्धता वाले जेडे ज्ञान बाद खवाउंदे आ उही हुंदे आ कि ना भी लो पासा मैं सुनाउना मैं सुनाउना बड़िया ने आख्या पर सारिया नू पासा ने ना कर दित्ती सी। फिर भाई गोपाला जी ने पल्लू पा के गले विच आख्या सी पासा कोई इत्थे ऐसा नहीं ज्ञान बाण एडे ज्ञान वाला कोई नहीं साडे च भी जिहड़ा शुद्धता दे नाल तुहानू बाणी सुना देवे शुद्ध सुना देवे। पासा कहिंदे फिर भाई की बाणी नहीं सुनाई जाएगी। पासा सुनाई जा सकती है कौन सुनावेगा ते आखना कीता सी सच्चे पासा जे तुहाडी रहमत होवे तुहाडा बेरा भरिया हाथ इस गोपाले दे सिर ते भी आ जावे कि ना गुरु घर दे झाड़ू बरदार दे उपर ते ए गोपाला भी शुद्ध उच्चारण कर सकदा तुहाडी रहमत सदका ते नहीं ता पासा तुहाडी रहमत तो बिना बेशक ते बड़े 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 ज्ञानी ने ज्ञानवान ने अपने आप नूं अखवाउंदे पर कोई शुद्धता नाल नहीं ये कर्म कर सकता तुहाडी कृपा तो बिना। आसन करके सच्चे पातशाह जे ते तुहाडी मेहर हो जावे खुशियां आ जावन तुहाडियां जिन्हों मिल जाण ते ओ आसन करके सच्चे पातशाह तुहाडी इस नाम बाणी शब्द का ज्ञान रखदा है तुहाडी खुशी तो बिना नहीं। इत्थे भी साहब आई कहिंदे आ भाई असल विच सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस उपर रुच आवे भी जे ते खुशी हो जावे सच्चे पातशाह ओही ज्ञानी है ज्ञानवान है। हुण बेअंत इतिहास ने ऐसे आपां पढ़दे आ जिन्हां ते मेरे मालिक ने कृपा कीती बड़े 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 कथागर बना दिते बड़े 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 उपदेशक बना दिते ने साहिबानी प्रचारक थापे किन्ने भाव के किन्ने थापे। आपां इक इतिहास पढ़दे आ प्रेमे कोड़ी दा प्रेमा जिहड़ा कि विशे बकारां विच नशियां च गुणतान होया सी एक साहूकार दा बिगड़िया होया बच्चा सी पर गुरु पातशाह जी जदों ओह ते भी रहमत होई कना किरपा होई जिहड़ियां 22 मंजियां स्थापित कीतियां सन साहिबां ने उन्हां विचों एक मंजी भाव एक प्रचारक एक इलाके दा प्रचारक ओह प्रेमा भी बनाया गया ऐडा भाव ओनू भी ज्ञानवान बना दिता मेरे साहिबां ने कृपा कर दिती है ये रहमत जिते गुरु की खुशी आ जाए मेहर की नजर हो जाए ओही गुरु प्यारे सच्चा ज्ञानी बन सकता है ते ओही सच्चा प्रवान सेवादार बन सकता नहीं आपू बने तो असीं बड़े फिरदे हाँ सेवादार बड़े ज्ञानी बने फिरदे हाँ पर गुरु की रहमत तो बिना नहीं। सतगुरु जी इत्थे रहमत कर दिया समझाउंदे ने सानू भी आ मेरे मालिक जी साहब नूं बढ़ियाउंदे होए कह रहे ने भी आ मेरे राम जी जे ते तुहाडी कृपा हो जावे ना मेहर दी नजर हो जावे ओही असल करके ज्ञानी बनता है प्रवानित ज्ञानी ओही तेरा सेवक बनता प्रवानित सेवक। इसे करके कृपा करो जिस पुरख वधाते ऐ मेरे पुरख वधाता जी वधाता पाकी नूं कहने आ लेख लिखण वाले नूं जे ते मेरे मालिक की कृपा हो जाती है वह पुरख वधाता रहमत कर दिंदा कि ना उहदे पुठे लेख भी सीधे कर दिंदा सच्चे पातशाह उहदे माड़े लेख भी चंगे बना दिंदा सच्चे पातशाह। ये भी इतिहास आपां पढ़दे हां मीरी पीरी दे मालिक दा बड़ी बार दोहराई आपां सुणदे पढ़दे रहने हां भी माता जी आए सन जिन्हां ने मंग मंगी सी बच्चे दी कहता सी साहब जी ने भी लेख भाई तुहाडे लेखां विच नहीं है ते बेचारी रोंदी जा रही है मुड़ी अगो भाई साहब जी मिले सी गुरुदास साहब जी ते उन्हें आख्या सी बीबा गुरु घर विच जो भी आउंदा इत्थे रोंदे आउंदे हसदे जांदे है ते आ पहली वारी वेख्या भी तूं किवें रोंदी जा रही है इत्थों गुरु घर दे विचों इत्थे दा सारे खुशियां लैके जांदे है ते आखना कीता सी सारी वार्ता नूं भाई साहब जी इदां करके जवाब हो गया ते फिर उत्थे भाई साहब जी ने समझाया सी भी ऐ बीबा तेनू मंग नहीं मंगनी आई गुरु घर विच टोट कासे जी नहीं
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧੂਰਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਅਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌੜੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਲਾਂਘਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਦਾਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ, ਬਹੁਤੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੁਰਾਉ ਵਿਚਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਆਈ, ਅਰਜ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਕਡੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਛਮਣ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਲਛਮਣਾ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਲਛਮਣ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਕਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਚੂਲਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸਨ। ਗੁਣ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਨੇ ਗਲਤ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੰਸ਼ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਸੁਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਰਛ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੱਸਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਇਹ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਚਾਰ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਮ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਘਾਟ ਸੀ ਇਹ, ਬਿਰਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਿਦਿਆ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵਿਦਿਆ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸਨ ਦਾਨ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਸੁਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਗੁਣਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਦਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦਏਗਾ, ਗੁਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਐ ਰਾਵਣ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਦੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨੀ, ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੋਲਿਆ ਨੀ, ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਲਕਸ਼ਮਣ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਭਰਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਣਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਗੁਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਾਟ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗੁਣ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਖੜਿਆ ਸੀ? ਭਾਵ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆ ਕਿੱਧਰਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਗੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਣ ਭਾਲਦਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ, ਪੈਰਾਂ ਬੰਨੀ ਖੜ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੜ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮੰਗਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਐ ਰਾਵਣ, ਤੂੰ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸਾ ਸੁਭਾਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ,
बदला लेना, इस करके मैं बदला लैण लगा। वह कहते तू जदों जानता सी अवतारी पुरश भी इनू मैं जितता सकता नहीं हाँ, भी फिर तू फिर भी यह कुछ किया। वह कहता भरावा गल सुन लै, ये सब मैनू पता सी, पर मैं भी बहादुर बहुत हाँ, मेरे विच भी बड़ी कला है, मैनू पता सी मैं जित नहीं सकता, पर फिर भी मैं ता युद्ध किया बई जे मैं जित भी गया मेरे दोनों हाथों के कहना लड्डू है, कहना जे जित भी गया ता भी मेरी फिर भाव के वाजे बजणगे भी अवतारी पुरश नूं इस रावण ने हरा छड्डिया, पर जे हारदा भी अज हारिया भी हाँ अज जा भी रहा ता भी कहने मेरी तां इहदे विच भी जित है भी समय का अवतारी पुरश मैं उहदे हथों अज संसार विचों जा रहा फिर भी सुरखरू होके जा रहा, भाव के दोहे पासे मेरी तां जित सी हार कोई नहीं है। कहने असा चल कहने बाकी दियां गल्लां साड लक्ष्मण कहन लग्या भी मैनू इउं दस ऐ ब्राह्मण जी रावण जी कोई गुण दे जो तुहाडे विच इन्ने गुण ने चार वेदां दे ज्ञाते हो कोई समझ दे दो ज्ञान ही दे दो मैनू जांदे जांदे। वह कहते लै लक्ष्मण तेनू ज्ञान दिना, ज्ञान तेनू यह दिना मैं बई अज का काम कदे कल ते ना छड्डियो, अज का काम जे तुहाडे विच कोई ताकत है पावर है कुछ कर सकते हो अवेसले ना होवो, भाव के जेड़ा काम करना अज तुहाडी समझ विच आ गया उहनू कर लियो कल ते ना छड्डियो। कहने मेरे मन में भी बड़े कर्म भाव मेरे च बड़ा बड़ा गुण सी, मैं बहुत कुछ दुनिया में कर सकता सी, बड़ा भला कर सकता सी, ताकत सी मेरे विच, पर बस मैं अवेशला रहा भी कोई गल नहीं मैं किहड़ा मरना मैनू किहड़ा कोई मार सकता है, मेरे काल बस कीता होया कोई नहीं कल नूं कर लेंगे कल कल करदा ही। कहना मेरा अज आखिरी समा आ गया, मन दियां मन च ही रह गईयां, वेखी लक्ष्मणा किते भाई जे कोई भाव तेरे अंदर चंगा गुण पैदा होवे उहनूं वरत लवी, ये ना होवे भी कल कल करदा ही रह जावी ते फिर पछतावा ही रह जांदा। इस करके भाव ये भी बड़ा बड़ा ज्ञान दिता भी साडे मनां विच भी हुंदा भी अज नहीं चल कल नूं सही, अज नहीं कल सही, बाणी पढ़न ते भी इदां ही हुंदा साडा बड़ियां दा, गुरु की हाजरी का भी यही हुंदा भी कोई नहीं कल ते चलिया करांगे संगत करांगे, कोई कहिंदा कोई नहीं इन्ना क समां कढ के गुरु वाले बन जावांगे अमृतधारी हो जावांगे, कोई कुछ कहिंदा कोई कुछ, भाव भले कर्म करन तों असीं इदां ही सोचदे 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 जिंद लगा दिंदे आ ते उह आखर समां आ जांदा है ते फिर पछतावा लेके जांदे आ, पछताप ही रह जांदा मन दे विच। इसे करके सो मालिक ने आखना कीता है सानू भी आ प्यारिया जो कुछ करना सी वह तू किया नहीं, सोचा मन दियां मन दी रह जांदियां ने क्योंकि मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवै चोटी काल गही, साहब कहंदे मन दी मन च रह जांदियां ना मालक दी सेवा सेवना कीती याद कीता ध्यौना कीता जपना कीता ना कोई धार्मिक स्थान ते जाके बैठना कीता संगत विच, ते पासा कहने ने चोटी काल गई बस समा ऐसा आ गया काल आ गया ते मौत आ गई पछतावा ही लेके चलिया गया, ओह मी खाली भी चलिया गया कुछ खर्च लिया ही नहीं नाम बाणी वाला। इसे करके सो मालिक सानू कहंदे आ बंदिया करना हो तो सो ना कियो परियो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोब तंद, फिर रोना धोना ही रह जांदा। सुरहो विचार भाव के मालिक दे चरणा विच जरो मंगना निम्रता विच मंगना, जरो जुड़ना निम्रता विच जुड़ना ते इत्थे घाट कोई नहीं है, सो माता जी नूं समझाउणा कीता भाई साहब जी ने भी इदां करके मंग मंग ली उदां ही कीता जाके भी पातशाह रहमत करो, पातशाह कहिंदे ने कहिंदे बीबा तैनूं कल जवाब दे दित्ता सी भी तेरे कर्मां च नहीं, ते आखण लगी भी सच्चे पातशाह मेरे कर्मां च नहीं लिखिया होया ते लिखण वाला कोई होर थोड़ी है, पातशाह जे पहलां लिखणा भुल गए ते अज किरपा कर दिओ हुण लिख दिओ। ते मालिक ने फिर ये इतिहास है गुरु प्यारो रहमत कीती सी जिन्हों जवाब दिता ऐसी कृपा हुई घर दे विच सत बच्चियां ने जन्म लिया
कृपा हुई। घाट कोई नहीं गुरु दे घर विच, क्योंकि मेरा मालिक ए बधाता है जिते भी कृपा कर दे सच्चे पातशाह। पर कृपा रहमत बख्शिश लैण दे लई साहब दी खुशी जरूरत है, खुशी नहीं। मालिक नूं खुश करना, उहदे भाणे विच चलना, उहदे हुक्म नूं मनना, उहदी मर्यादा विच रहना, फिर कृपा हुंदी है। ते इत्थे पातशाह कहिंदा कृपा करो जिस पुरख बधाते बिधाते। भी आ ऐसे मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख साढ़े बधाता जी कर्म लिखण वाले सच्चे साहब आ जिन्हां ते तुहाडी रहमत हो जांदी है। सो सदा सदा तुद ध्यावे, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵਣ ਯੋਗ ਕਵਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ ਕਵਣ ਗੁਣੀ ਰਿਝਾਵੈ, ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਸ ਉਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੈ। ਕਵਣ ਯੋਗ ਕਵਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰੋ, ਵੋ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬੜੀ ਯੋਗ ਮਤ ਵੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ, ਕਵਣ ਗਿਆਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ, ਕਵਣ ਧਿਆਨ ਉਹ ਧਿਆਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਵਣ ਗੁਣੀ ਰਿਝਾਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਭਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਜ। ਨਿੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਵਸਤਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਹ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਰੰਗ ਲੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੰਗ ਨਦਰ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਭੇਸ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਮਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਆਤ ਗਿਣਤੀ ਪਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਜਿਆ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਣ ਤਾਂ ਐਸੇ ਭਾਵ ਲਿਬਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੰਗ ਰੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦਿਸਣਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣਾ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵ ਕੇ ਇਉਂ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਦਿਸ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਇਹ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੰਗ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸੋਈ ਜਨ ਸੋਈ ਨਿਜ ਭਗਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਭਗਤ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲਲਾਰੀ ਵੀਰ ਰੰਗ ਚਾੜਦਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਐਸੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਲੀਨ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰੰਗ ਚਾੜ ਚਾੜ ਧੋਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਬਾਰ ਦੁਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਜਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ।
एक वारी विच नहीं चढ़ता मैले वस्त्र नूं, उह वक्री गल है। जे कोई वस्त्र ही वधिया है नवीन है उहनूं एक वार चढ़ जांदा है, पर मैले नूं नहीं, पुराने नूं नहीं, उहनूं बार बार धोना पैंदा। इहो ही साहब कहदे है वी रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। भरम जिहड़े अंदर भरमां दी मैल है, वहमां करमां दी मैल है, उह लहिंदी लहिंदी लह जांदी है, लहेगी। तां जे बार बार असी संगत करांगे गुरु के बचनां नूं समझांगे, समझ आएगी। इस करके सो साहब कहिंदे आ भाई जी नूं ऐसा रंग लग गया ते उह निजी मालक दा भगत बन जांदा है, वह तो मालिक का हक हो जाता है, तो मालिक तो भी अपना हक जता। फिर इस करके सो साहब अगे रहमत कर दिया, साई मत साई बुद्ध सियाणप जित निमक ना, प्रभ बिसराब संत संग लग इहो सुख पायो, हर गुण सद ही गावै। साहब कहने साई मत ओही मत भाई, साई बुद्ध सियाणप ओही भाई बुद्ध ते सियाणप, जित निमक ना प्रभ बिसराब है। जेड़ी मत जेड़ी बुद्ध जेड़ी सियाणप, एक निमक मात्र भी मालिक नूं बसरावे ना कना। साहब कहने असल विच तां उह मत है उह प्यारा जिहदे अंदर आ वस्तु है, यह ज्ञान है, यह बुद्ध सियाणप है, जिहदे नाल मालिक विसरदा नहीं, हर समय याद रखना। ते साहब कहने संत संग लग इह सुख पायो, और नाल ही दसता साहब जी ने कहने रब दे प्यारियां दी संगत करके यह अवस्था बनती है, आ असल सुख सुकून आनंद बनता है। संत संग लग ए सुख पायो, हर गुण सद ही गावे। कहने बस जिहड़ा हरी दे गुण सदा गाउंदा, कहना जिहड़ी मत हरी दे गुण मालक दीआं वडियाईआं करदी है, ते साहब कहने समझो असल विच मालक दे दर ते उह मत बुद्ध सियाणप प्रवान हो जांदी है, ਉਹ ਜੀਵ ਉਹ ਜਿੰਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਹ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਆਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਟਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਇਓ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਆਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਆਚਰਜ ਕੌਤਕ ਮਹਾਨ ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦਸਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ, ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਓ ਆਚਰਜ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਕਿਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ। ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਈ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰ ਲਾਹਿਓ ਤੈ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਹਿ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਰਭ ਜੋਨ ਭਾਵ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਗਬਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਭਾਵ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣੀਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ।
तेरे गुण गाइए, गुण गा के असीं भी सच्चे पातशाह इस जीवन नूं सफल बनाईए। रहमत कर दिओ साडे ते सच्चे साहिब जी, बिसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चावे हो। होना भुला दिखी मां बख्शिश करन जी, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। इस तो अगे साहिबा रहमत करना पक्का कल नूं सरवण करांगे। आओ कुछ समां गुरमंत्र द्वारा सांझ पाईए। प्रेम सहित सारी संगत आखना करो जी, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत, दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल, चंगियाँ बरियाँ बच तरमा, करमी आपो आपनी के नेड़के, जिन्नी नाम ते आया गई मसाकत, नानक ते मुख ओजले केती सुटी, जिन्नी नाम ते आया गई मसाकत, नानक ते मुख ओजले केती सुटी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो